भाई और बहनों, ब्रेकअप का माहौल चल रहा है। मौसम में ही ब्रेकअप है। मेरे पहचान में तीन चार लड़कों का ब्रेकअप हो चुका है। सबने आके मेरे को अपनी अपनी कहानी बताई और एंड में तात्पर्य यही है कि बेंचो कोई मौसम मौसम नहीं चल रहा। ये लड़के साले चूती हैं। स्पेशली ये लॉन्ग डिस्टेंस वाले जितने भी हैं ना, ढक्कन एक से बढ़ के एक हाइएस्ट कैटेगरी के हैं और अक्कल जीरो नंबर की भी नहीं है किसी में। घुटने वुटने तलवे बेंचो जमीन पर रगड़ रहे हैं, कुछ अक्कल नहीं है। समझ तो गए हो कि जो वीडियो ये बना रहे हैं सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस वाले लड़कों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि उनकी गलतियाँ उनको बताने के लिए कि सालो ढक्कनों सुधर जाओ। बेचारे जो लड़कियाँ तुम्हारे साथ लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, खुश रखो, ठीक है। और जो लड़कियाँ बाय एनी चांस ये वीडियो पर स्टम्बल कर जाते हैं, आप अपने बंदों को भेजो कि साले थोड़ी अक्कल लाओ, सुनो बड़े भाई को, नहीं तो भुगत बोती को सुनो, और भैंचो अक्कल लाओ थोड़ी सी। सबसे पहला बात करना, तुम साले ढक्कन हो ये चीज़ मान के चलो कि तुम्हारी बंदी अगर तुमसे चार सवाल पूछ रही है ना, तो उसके कोई 500 रीज़न है, वो 500 से कम होके चार सवाल आए, तो चार सवाल के घुटने में बैठ के चुपचाप से जवाब दो, ठीक है ना। आधी बंदी की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तुम खुश रहोगे। साले उससे बात करो, दिन भर ऑफिस में गांड मरवा के अगर तुम रात को एक गुड नाइट का मैसेज कर रहे हो तो कुत्तों कॉल करके नहीं कर सकते क्या? सुबह गुड मॉर्निंग करना चाह रहे हो तो कॉल करके क्यों नहीं करते हो? अबे एक रात को व्हाट्सअप भी पूछ रहे हो, अगर जस्ट फॉर मन की शांति भी पूछ रहे हो, कॉल करके पूछ लेना, खुश रहेगी। प्यार करता साले शर्माता क्यों है इतना बोलने से? चार बार कॉल कर उसको, बोल, बुरा नहीं मानेगी लेकिन सारा टाइम खुश रहेगी तेरे साथ। अरे हम लड़के ना पागल होते हैं साले, बेवकूफ, एक नंबर के हाईएस्ट कैटेगरी के बेवकूफ। हम लोग ये मान लेते हैं लड़की बहुत अच्छी है यार, दिल से प्यार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेटल हो जाएंगे इसके साथ। अबे सेटल हो जाने के चक्कर में तुम बीच का कम्युनिकेशन कैसे भूल गए? सीवी में नौकरी के टाइम तो साले सारे लिखते हो कि कम्युनिकेशन टॉप टॉप टॉप, साले यहाँ बात करने में क्या दही जम जाता है तुम्हारे मुंह में? एक अक्सर नहीं बोला जाता तुमसे, थकान होने लग जाती है तुमको, टाइम नहीं मिलता है तुमको, दोस्तों के साथ घूमना है, बेंचो कलीग्स के साथ बैठना है, फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो। बेंचो वो तेरी फैमिली नहीं है, उससे बात नहीं करनी है तेरे को? शादी करके क्या करेगा फिर बाद में? चुपचाप फोन उठाओ और फोन घुमा के बात करो, हेलो बोलो, वो बोले क्यों कॉल किया, बोलना संचित ने बोला कॉल करने के लिए, बात करो। और फिर हम लोग क्या बोल देंगे, अबे लड़ाई करती रहती है यार सारा टाइम, जब फोन पे बात करो लड़ाई होती है। लड़ाइयाँ सबकी होती है मेरे भाई, तेरे घर पे जो मम्मी यहाँ पे बैठे ना उनकी भी लड़ाइयाँ होती हैं, सब करते लड़ाई, लेकिन लड़ाई का ये मतलब तो नहीं ना कि साले तुम छोड़ दो बातचीत करना, एकदम फिनिश ही कर दो। लड़ाई में बंदियों की गलती नहीं है, मैक्सिमम चल मैं मान लिया 5% 10% लड़कियों की गलती होगी, बाकी 90% हम लोग की ढक्कनों की गलती है, ठीक है, जो हम लोग बातचीत नहीं करना चाहते। हम लोग साला एफर्ट को समझते ही नहीं है, स्पेलिंग ही नहीं आती है बेंचो एफर्ट की, 90% ऑफ द टाइम इक्वल एफर्ट चलता है, बाकी 5-10% इधर उधर सर्कमस्टेंशियल हो जाता है, लेकिन तुम साले कोशिश तो करो। अबे अगर बंदी अच्छी है, तू मान रहा है बंदी अच्छी है, तो साले उसको अच्छी तरह के रखना, वो कहीं नहीं जाएगी। देखो भाई लोग, कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस ये बता रहा हूँ कि तुम लोग का कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजिंग वीक है, तो उसमें वो बंदी की कोई गलती नहीं है ना, तुम लोग करो ना अपनी तरफ से कोई कोशिश। और साले एक बार बोल रहा हूँ, प्यार करता है ना, दिल खोल के बात कर एक बार उससे, रात को इतनी प्यारी नींद आएगी ना, एक गांजे के बाद की नींद भूल जाएगा, बट कोशिश करना पड़ेगा तेरे को अपनी तरफ से। अब तुम लोगों को लगा कि इसकी बात क्यों सुनी है, तो साला कल का कोई भी आदमी है। अबे तू बड़ा भाई, छोटा भाई, भुगत भोगी, बेंचो ठोकरे खाया हुआ, कुछ भी मान के मान ले मेरी बात, लेकिन मान ले, याद रखेगा 3 साल बाद मेरे को, ठीक है। तेरे को उसको खुश रखना तेरा काम है, उसको अकेले नहीं छोड़ना है। भाई जब ये वीडियो खत्म हो जाता है ना, 2 मिनट का हार्डली कुछ वीडियो होगा, ये खत्म होने के बाद उसको अभी फोन कर, उससे बात कर, बेंचो वर्चुअल डेट्स ऑर्गेनाइज करो, कार्ड गेम्स खेलो, कुछ भी करो, दुनिया की 1000 चीजें करने के लिए साले लॉन्ग डिस्टेंस में, पर अकेले मत छोड़ उसको, समझ आया? जिस दिन बेंचो छोड़ के चली गई ना तेरे को, मैं तेरे को बता रहा हूँ, ना भूख लगेगी, ना बेंचो नींद आएगी, गांड फटी रहेगी सारा टाइम, ना तेरा रोना निकलेगा, ठीक है। और जब गांड फटती है ना, 2-4 दिन बाद ठीक हो जाता है, लेकिन जिस दिन जेन्युइनली प्यार करने वाली छोड़ के चलेगी ना, चाकू देख के समझ नहीं आएगा कि कांधे काटने हैं कलाई काटनी है। अब मुझे ये सब कहाँ से पता है, बस ये समझ लो तुम लोग के लिए ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझ लो कि लोगों को ठोकरे लगती है या बेंचो जेट ठोक के चला गया।